संभल में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रही लड़की को रौंद दिया। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर रोड जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल पूरा मामला जिले की कोतवाली बहजोई क्षेत्र के गांव परतापुर चौराहे का है। गांव निवासी पीताम्बर की पुत्री मोहनी मवेशियों के लिए जंगल से चारा लेने गई थी। चारा लेकर मोहनी वापस अपने घर लौट रही थी। अभी वह सड़क पार कर ही रही थी कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने युवती को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर लगने से युवती बुरी तरह से कुचल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। डंपर की चपेट में आकर युवती की मौत की खबर सुनकर परिवार और गांव के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने बीच रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाम लगा रहे आक्रोशित ग्रामीणों को पुलिस ने किसी तरह से समझाया और जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि खनन के डंपर से युवती की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस डंपर से युवती की मौत हुई है वह खनन का डंपर नहीं था। बहरहाल युवती की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बहजोई सीओ दीपक तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हुई है। इस मामले में मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चालक को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। थाना बहजोई के अंतर्गत संभल बहजोई राजमार्ग पर एक किशोरी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस द्वारा किशोरी के मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा परिजनों की तहरीरी सूचना के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।